हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस समय बहुत ही चर्चा में है, जो कि इस समय होने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट जायंट पांडा। हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक उम्र के नर जायंट पांडा का हांगकांग के एक चिड़ियाघर में मौत हो गई। अभी हाल ही में समाचारों में आया कि सबसे जो है पुराने पांडा की मृत्यु हो गई है हांगकांग में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में जायंट पांडा को वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। ये जो है चाइना, तिब्बत, हाँ, और अपने यहाँ असम में भी पाए जाते हैं, लेकिन चाइना में इनके नाम पे करंसी पे ये भी छपते हैं, और अपने विभिन्न गेम या जो भी हो शुभांकर 2008 में रखे थे, और जो भी हो ज़्यादातर पांडा के नाम से इनको चलाते हैं। तो इन्हें साइट्स के परिशिष्ट एक में रखा गया है। यह 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड गठन के बाद इसका प्रतीक रहा, जो WWF है उसके गठन के बाद उसका प्रतीक भी यही रहा। वही रेड पांडा को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह सिक्किम का राज पशु भी है। तो देखते हैं कि यह अपने यहाँ सिक्किम का राज पशु भी है। IUCN के बारे में बता देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये जो संगठन है जो भी प्राकृतिक पेड़ पौधे जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। ये जो है रेड, पिंक और ग्रीन तीन तरह की जो है बुक पब्लिश करती हैं, जिसमें कि बताया जाता है कौन सा जीव या कौन सा वृक्ष समस्या ग्रस्त है या खतरे में है या विलुप्त हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें दर्शाया जाता है। तो ये प्राकृतिक संरक्षण के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है इसका मुख्य कार्य है। जो पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं उनकी जो है समस्याओं को खोजना और उनका व्यवहारिक समाधान करना। यह लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। यह रेड सूची जारी करता है जिसमें विश्व में जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन्हें दर्शाती है। इसकी स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी फ्रांस में। तो इसकी स्थापना जो है फ्रांस में 1948 को हुई थी। प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो आपको आज का प्रश्न उत्तर बताना है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कौन देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।